कंप्रेसर तुम्हारी ऑडियो की डायनामिक रेंज को कम करता है। डायनामिक रेंज क्या है? तुम्हारी ऑडियो का जो क्वाइटेस्ट पार्ट है, मतलब जो सबसे लो पार्ट है, नोट वाइज नहीं एम्पलीट्यूड वाइज, और जो लाउडेस्ट पार्ट है, जो भी तुम्हारी ऑडियो की पीक है, उसके बीच का जो भी डिफरेंस होता है उसे हम डायनामिक रेंज कहते हैं। तो कंप्रेसर डायनामिक रेंज को कैसे कम करता है वो समझते हैं। मान लो कि ये तुम्हारी ऑडियो की पीक है और ये सबसे लोएस्ट पार्ट है, सबसे क्वाइटेस्ट पार्ट है, तो एक कंप्रेसर क्या करेगा, तुम्हारी पीक को पकड़ के नीचे ले आएगा, उसको थोड़ा रिड्यूस कर देगा, ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द सेटिंग जो तुमने उसमें किया है, जो हम आगे समझने वाले हैं। तो इस फिगर के हिसाब से अगर समझे, जो पहले डायनामिक रेंज हमारी 10 dB की थी वो 5 dB की हो गई है, और ऑब्वियसली कंप्रेशन से पहले हमने अपने सारे ट्रैक्स को बैलेंस किया होगा। तो अब हमें उस पीक तक वापस जाना है, उस लेवल तक वापस जाना है, उसके लिए हम यूज करेंगे मेकअप गेन का, और मेकअप गेन यूज करके हम ओवरऑल गेन इंक्रीज करेंगे पूरी ऑडियो का। तो मेकअप गेन से हमारा गेन जो है वो वापस रिटेन हो जाएगा, बट जो डायनामिक रेंज है वो अभी भी 5 dB की रहेगी ड्यू टू द कंप्रेशन। एज यू कैन सी कि अभी बिल्कुल कंप्रेशन अप्लाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अभी थ्रेशोल्ड 0 पे है। तो अब नोटिस करना कि मैं जैसे जैसे थ्रेशोल्ड को कम करूंगा वैसे वैसे कंप्रेशन ज्यादा होती रहेगी। तो थ्रेशोल्ड नॉब से हम अपने कंप्रेसर को कमांड करते हैं, उसको बताते हैं कि किस पार्ट को कंप्रेस करना है, किस पार्ट को वैसे ही छोड़ देना है, या फिर किस लेवल से कंप्रेशन स्टार्ट करनी है। सबसे पहले तो ये समझो कि हाँ, रेशियो का रोल होता है अमाउंट ऑफ रिडक्शन या कंप्रेशन डिसाइड करने में, बट उससे ज्यादा रोल होता है थ्रेशोल्ड अटैक और रिलीज का। तो कभी भी कंप्रेशन इंक्रीज करने के लिए सिर्फ रेशियो नॉब को मत छेड़ते रहना। अब रेशियो समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा रेशियो 4:1 पे सेट है, तो जब भी तुम्हारी ऑडियो थ्रेशोल्ड के 4 dB ऊपर जाएगी तो उसमें से सिर्फ 1 dB बाहर आएगा, तो रिडक्शन कितनी हुई 3 dB की। एक और एग्जांपल देख लो नंबर्स के साथ। अगर तुम्हारा थ्रेशोल्ड -25 पे है और जो तुम्हारी ऑडियो है वो -21 तक गई विद द रेशियो सेट टू 4:1, तो उस -21 में 3 dB की रिडक्शन होगी, तो जो हमारी ऑडियो बाहर आएगी वो कितनी होगी -24। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो ये रेशियो वाला पार्ट एक बार फिर से देखो, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर करो कमेंट्स में। अगर तुम्हारा थ्रेशोल्ड -25 पे है और ऑडियो गई -20 तक विद रेशियो सेट टू 5:1, तो कितनी रिडक्शन होगी। और हाँ, अगर कमेंट कर ही रहे हो तो लाइक भी कर देना, क्योंकि मैं जानता हूँ इस वीडियो से तुम्हारी काफी हेल्प होगी, और तुम्हारे एक लाइक और कमेंट से मेरी काफी हेल्प होगी। अटैक और रिलीज दोनों काफी सिंपल चीजें हैं, बट एट द सेम टाइम काफी ज्यादा कंफ्यूज भी कर सकते हैं, स्पेशली बिगनर्स को। तो पहले दोनों की सिंपल डेफिनेशन समझ लो, जो तुमने शायद काफी जगह सुनी होगी। अटैक नॉब से तुम कंट्रोल कर सकते हो कि कितनी देर में कंप्रेशन अप्लाई होगी तुम्हारी ऑडियो पे, और रिलीज नॉब से तुम कंट्रोल कर सकते हो कि कितनी देर में कंप्रेशन हटेगी ऑडियो से। अगर तुम बहुत ज्यादा फास्ट अटैक रखते हो तो तुम्हारे ट्रांजिएंट्स भी कंप्रेस होंगे, इसका मतलब ओवरऑल कंप्रेशन ज्यादा होगी। बट अगर स्लो अटैक रखते हो तो कंप्रेशन कम होगी, क्योंकि जब तक कंप्रेसर रिएक्ट करेगा ऑडियो पे, जब तक उसको कंप्रेस करने जाएगा, तब तक वो जो लाउड पार्ट है, वो ट्रांजिएंट्स हैं, वो सारे पास हो जाएंगे। अगर रिलीज फास्ट होगा तो कंप्रेशन कम होगी, क्योंकि कंप्रेसर जल्दी से ऑडियो को छोड़ देगा। बट अगर रिलीज स्लो है तो कंप्रेशन ज्यादा होगी, क्योंकि अगला ट्रांजिएंट आने तक कंप्रेसर ऑफ ही नहीं होगा। अब मैं स्क्रीन पे अटैक और रिलीज के केसेस और उनके रिजल्ट्स डाल दूंगा, जिससे तुम्हारी हेल्प हो जाएगी, तो उसको पॉज करके रीड कर सकते हो। जो भी लेवल हम लूज करते हैं कंप्रेशन की वजह से, उस लेवल को रिटेन करने में मेकअप गेन हमारी हेल्प करता है। बट मे बी हर बार जितनी गेन रिडक्शन तुमने की है, उतना मेकअप गेन ऐड करने की जरूरत ना पड़े। तो अपने कानों को ट्रस्ट करो, जितनी तुम्हें नीड लग रही है मेकअप गेन ऐड करने की, उतना ही ऐड करो। और कभी कभी सेम अमाउंट ऑफ मेकअप गेन इंक्रीज करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती, उसको जानने के लिए वाली रील देख सकते हो। नी से तुम कंट्रोल कर सकते हो कि तुम्हारी कंप्रेशन कितनी ज्यादा स्मूथली अप्लाई हो रही है, कितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, या फिर तुम अपनी कंप्रेशन को काफी ज्यादा प्रोमिनेंट भी कर सकते हो, काफी ज्यादा हार्ड सा भी कर सकते हो नी का यूज करके। तो अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो डू ड्रॉप अ लाइक एंड अ कमेंट, और ऐसी और वीकली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो।